हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी का बीकॉम, बीबीए, बीसीए और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का जो फुल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है वो पूरी प्रोसेस बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए किस तरह से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर 12 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ऑलरेडी आपने क्विक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो किस तरह से करना है वो इस वीडियो में मिल जाएगा आपको पूरा इन्फॉर्मेशन। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन ओपन का जो यहाँ ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बीकॉम, बीबीए, बीसीए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का जो एडमिशन का डिटेल है उस पर व्यू मोर पे क्लिक करना है। अब यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना है और साथ में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दे रखा है वो भी डालना है। यूज़र नेम पासवर्ड आपको ईमेल में आ चुका होगा, वो आप यहाँ पर पुटअप करके साइन इन करोगे। जैसे ही आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल के साइन इन किया है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस, उसके नीचे एप्लीकेशन डिटेल्स मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी कि सबसे पहले बेसिक डिटेल, जो क्विक रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो बेसिक डिटेल आपकी फिलअप हो चुकी है, फिर पर्सनल डिटेल, फिर एकेडमिक डिटेल, उसके बाद अटैचमेंट। आपको अटैचमेंट के अंदर आपका फोटो और सिग्नेचर और फोटो, उसकी एक जेपीजी इमेज आपको यहां पर देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आपको चॉइस फिल करनी होगी बीबीए की कॉलेजेस, आपको अगर चॉइस करनी है तो पहले बीबीए की रखिए, पर टोटल आपको 25 से 30 कॉलेज तो भरनी है, उसके बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन के अंदर याद रखें, सबसे पहले आपको उसमें जो आपकी चॉइस है, जैसे कोई स्टूडेंट बीसीए करना चाहता है तो उसको बीसीए की चॉइस की कॉलेजेस आगे रखनी है। 1 से 10 नंबर के अंदर आपकी बीसीए की कॉलेजेस होनी चाहिए चॉइस की। उसके बाद आपको टोटल जो चॉइस कंप्लीट करनी है तो 30 कॉलेजेस तो आपको सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, वो बात याद रखना। अगर बीबीए में आप जाना चाहते हो तो बीबीए की कॉलेजेस आगे रखोगे, बीकॉम में जाना चाहते हो तो बीकॉम की जो भी बेस्ट कॉलेजेस है वो आगे रखोगे, और कौन सी बीकॉम की बेस्ट कॉलेजेस है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो लास्ट ईयर बनाया हुआ था, वो वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। चॉइस फिल करने से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी रैंक देने में। उसके बाद आपको अपनी चॉइसिस को लॉक करना है। लॉक के बाद आपको एक ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस है ये, वो पेमेंट कर देने के बाद आपको आपका एडमिशन फॉर्म और जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर देनी है। दो चीजें आपको प्रिंट आउट निकाल देनी होगी, आपका एडमिशन जो रजिस्टर्ड किया है, फॉर्म फिलअप किया है उसका प्रिंट आउट, और एक आपने जो पेमेंट किया है उसका प्रिंट आउट कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस आज हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट आपकी बेसिक डिटेल ऑलरेडी आपने क्विक रजिस्ट्रेशन में फिलअप कर दी है, तो देखिए यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, आपका गुजरात बोर्ड GSHSEB लिखा होगा, पासिंग स्टेट गुजरात, मंथ एंड ईयर जहाँ पर 2022 मार्च होगा, सीट नंबर आपका होगा, और उसके बाद आपका पूरा नाम एज पर मार्कशीट होगा, और याद रहे यहाँ पर आपकी बर्थ डेट सही होनी चाहिए, बर्थ डेट आपकी एक बार देख लीजिए, सब कुछ सही होगा क्योंकि क्विक रजिस्ट्रेशन आपने सही से किया होगा। ईमेल आईडी आपका होगा, एक मोबाइल नंबर आपने जो दिया है वो, और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी होगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी और जेंडर आपने फिलअप किया हुआ है, और फिजिकली आप हैंडीकैप नहीं हो तो नन सिलेक्ट किया होगा, और रीजन ऑफ लास्ट स्कूल अहमदाबाद। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ एक ऑप्शन आएगा जिस पे आपको टिक करना होगा कि आपकी जो मार्कशीट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो गई होगी, यानी गुजरात यूनिवर्सिटी को डेटा मिल गया है आपके 12वीं के मार्क्स का, तो यहाँ पर आपको उसको टिक करना है। यहाँ एक ऑप्शन होगा जिस पे आपको टिक करना होगा, वो टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्कशीट, आपके सारे मार्क्स, एकेडमिक डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स फिलअप नहीं करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 7 नेक्स्ट दे रहे हैं। 7 नेक्स्ट देने के बाद यहाँ पर लिख कर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए
आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। आपकी पर्सनल डिटेल से शुरू होगा। देखिए, आपने क्विक रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो आपको पर्सनल डिटेल से ही सब कुछ स्टार्ट करना होगा। तो पर्सनल डिटेल के बाद एकेडमिक, फिर अटैचमेंट, चॉइस, वो सब प्रोसेस होगी। तो हम पर्सनल डिटेल में सबसे पहले देखते हैं क्या फिलअप करना है। बर्थ प्लेस आपको डालना है। उसके बाद देखिए, बर्थ प्लेस आप अपना जो है वो आपका जो सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके अंदर देख सकते हो और बर्थ प्लेस भर सकते हो। ब्लड ग्रुप मेंशन करना है आप इसको, मैंडेटरी। यहां पर देखिए, ब्लड ग्रुप आप नहीं भी फिलअप करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर कंपलसरी नहीं है। जहां पर स्टार लगाया हुआ है वो सब कंपलसरी है। कास्ट आपको फिलअप करनी है, रिलीजन आपको फिलअप करना होगा। अगर आप माइनॉरिटी में आ रहे हो तो फिर यहां पर टिक करना है, ठीक है, याद रहे। एरिया टाइप क्या है, रूरल अर्बन, तो वो टिक करना है। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है। करंट एड्रेस आपको लिखना ही है, अच्छे से लिखिए कहाँ पर रहते हो। करंट सिटी का नाम लिखना है, करंट स्टेट लिखना है, करंट कंट्री कौन सी है और आपका पिन कोड कौन सा, ये सब कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है, ये भरनी है आपको। फिर आपका फ़ोन नंबर, करंट फ़ोन नंबर जो आगे दे रखा था वही लिखिएगा यहाँ पर। परमिनेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, तो टिक कर लीजिए, फिर से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर 7 नेक्स्ट देना पड़ेगा। सारी डिटेल भर लेने के बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। जैसे 7 नेक्स्ट करोगे तो यहां पर आपको लिख कर आ जाएगा सक्सेस, यानी इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। ओके ओके पे क्लिक करने के बाद आप एकेडमिक वाला जो सेक्शन है वहां पर आ जाओगे। यहां पर आप देखिए, आपकी डिटेल्स आपने ऑलरेडी क्विक रजिस्ट्रेशन में फिलअप करी हुई थी, सीट नंबर और वो सब, तो यहाँ पर आ जाएगा। जनरल कॉमर्स आपने लिया था 12th में और मार्च में आपने एग्ज़ाम दी थी 2022 में, आपका सीट नंबर होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एसएससी सीट नंबर डालना है, यानी 10th का डिटेल भरना है। ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, आपको 10th का डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है, एसएससी का सीट नंबर भरना है। और उसके बाद एसएससी पासिंग ईयर लिखना है, कितने मार्क्स आए थे आपके टोटल में से और वो परसेंटेज कितने बनते हैं। एग्रीगेट मार्क्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की बात हो रही है। प्लीज एंटर योर एग्रीगेट मार्क्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स फिलअप करने हैं, टोटल जो आया था वो। और उसके बाद HSC मार्क्स डिटेल, अब देखिए HSC की मार्क्स डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है, पर आपको स्कूल नेम यहाँ पर डालना होगा। स्कूल का जो नाम है आपको आपके लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर से मिल जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर से मिल जाएगा, वो स्कूल नेम आप यहाँ पर भरिए। स्कूल कौन सी सिटी में आ रहा है वो आपको फिलअप करना है। फिर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज थी इंग्लिश, आपका जो सब्जेक्ट था फर्स्ट या सेकेंड, उसके मार्क्स आ जाएंगे। आपने अगर आगे स्टार्टिंग में, मैंने फर्स्ट पेज पे आपको बताया है कि वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि आपका मार्कशीट ऑटोमेटिकली 12th का यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो जाए, वो ऑप्शन पे पहले आपको क्लिक करना है तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर डायरेक्टली सब आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने वो क्लिक किया हुआ था तो हमारी डिटेल सारी ऑटोमेटिकली आ गई है। जैसे इंग्लिश के मार्क्स आउट ऑफ 100 आ चुके हैं। नंबर ऑफ HSC अटेम, यहाँ पर आपको फिल करना होगा, फर्स्ट ट्रायल आपने पास आउट किया है तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम में आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद टोटल थियरी मार्क्स विदाउट प्रैक्टिकल, तो यहाँ ऑटोमेटिक आ चुका है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 700 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे वो। और उसके बाद बात हो रही है एग्रीगेट मार्क्स ऑफ HSC एग्जामिनेशन विथ प्रैक्टिकल, यानी जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल है उसके साथ टोटल आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं, ठीक है। और डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो चुके हैं तो हमें वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव नॉट क्लियर HSC विथ अकाउंटिंग सब्जेक्ट, यू विल हैव टू अपियर फॉर ब्रीच कोर्स, हैव टू सबमिट असाइनमेंट। अगर आपने 12th में अकाउंट नहीं लिया था तो की बात है, यहाँ टिक नहीं करना है। हमने 12th में अगर अकाउंट सब्जेक्ट से पास किया है तो यहाँ पर टिक नहीं करना है, ठीक है। ये इनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th में अकाउंट सब्जेक्ट नहीं लिया था फिर भी कॉमर्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। हम बात करते हैं GS HSEB जनरल कॉमर्स मार्क्स डिटेल, ओनली थियरी मार्क्स। तो यहाँ पर याद रखें, यहाँ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स है उसकी बात कर रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, और स्टैट्स में आपके कितने मार्क्स है आउट ऑफ 100 में से, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। यहाँ पर HSE सब्जेक्ट मार्क्स डिटेल भरनी है अदर देन अबोव सब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखिए, एक एक करके सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करके मार्क्स भरने होते हैं, पर हमारा ऑलरेडी
डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर अटैच हो चुका है, तो ये पांच सब्जेक्ट होंगे, आप भी चेक कर लीजिए, गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, कंप्यूटर थियरी, कंप्यूटर प्रैक्टिकल, ऑटोमेटिक हो चुका है, मुझे यहाँ पर कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिटेल्स आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद नीचे स्टूडेंट क्वालिफाइंग रिजल्ट, अब ये पूरा एक साथ रिजल्ट क्या है तो आप चेक कर लीजिए, आपका पूरा रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल, कंप्यूटर थियरी है, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक, ये सभी सब्जेक्ट आपके और आप ही के मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना रहेगा और कुछ नहीं। ध्यान रखिए जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो वीडियो देखते रहिए और फिर आप फॉर्म भरिए, या तो वीडियो पहले देख लीजिए उसके बाद फॉर्म फिलअप करिएगा। एकेडमिक डिटेल्स आपने अगर सही से भर ली है और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा सक्सेस, योर एकेडमिक डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करिए, तुरंत आप अटैचमेंट वाले पार्ट पे आ जाओगे। अब अटैचमेंट में आपको याद रखना है, आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको जेपीजे या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है और उसकी साइज बहुत मैटर करनी है, ध्यान रखिएगा। जब आप फोटो अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे आई वाले ऑप्शन पे तो यहाँ लिख कर आएगा कि 10 KB से 300 KB के बीच में ही होना चाहिए और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट होना चाहिए, यही दो फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए आपका फोटो और यही दो साइज के बीच में होना चाहिए, 10 से 300 KB के बीच में। उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है, उसका फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए पर उसकी साइज 5 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। ये दो चीज अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट में कौन कौन से होंगे, SSC की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और HSC की मार्कशीट का, आपको यहाँ तीनों का फोटो अपलोड करना है और वो फाइल का साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 100 to 400 KB के बीच में होना चाहिए, सभी में सेम है 100 to 400 KB के बीच में। तो ये तीन आपको डॉक्यूमेंट भी साथ साथ में अटैच करने हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अटैच कर लोगे, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप तुरंत यहां पर चॉइस फिलिंग वाले पार्ट में आ जाओगे। कॉलेज की जो चॉइस कैसे करनी है उसके लिए आप याद रखिए, आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपकी जो चॉइस की कॉलेज है वो नंबर वन पे होनी चाहिए, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको जो लेस चॉइस वाली कॉलेज है, आपकी जो कम प्रायोरिटी वाली कॉलेज है वो होनी चाहिए। इस तरह से आपको रैंक वाइज रखना है, यानी मेरी 1 से 5 में सबसे ज़्यादा चॉइस की कॉलेज होनी चाहिए, 5 से 10 में उससे कम कॉलेज होनी चाहिए चॉइस की, और उसके बाद धीरे 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 करके आपको 1 से 30 तक ऐसे कॉलेज भरनी है और वो प्रायोरिटी वाइज होनी चाहिए। चॉइस कर लोगे उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो चॉइस वाला सेक्शन बहुत ध्यान से देखिए। और कॉलेज का लिस्ट मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर अपलोड किया हुआ था बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, तो वो एक बार वीडियो देख लीजिए, आपकी चॉइस उससे अलग भी हो सकती है पर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कॉलेज चॉइस कैसे करनी है, तो वो वीडियो मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ, वो वीडियो पहले देख लीजिएगा फिर चॉइस फिलिंग करिए। आप आधा प्रोसेस होने के बाद अगर लॉग आउट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको फिर से लॉग इन करिए और सेव एंड नेक्स्ट करते करते आप जहां से लॉग आउट हुए थे वहां पर आ जाइए, आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी सेव्ड है। तो आपका अटैचमेंट तक हो चुका है, चॉइस फिलिंग वाला पार्ट बाकी है, तो बीच में से आप निकलने के बाद भी फिर से चॉइस फिलिंग पे डायरेक्टली आ सकते हो, पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करते करते यहां पर पहुंचना होगा, ठीक है। और हो सके तो आप पूरा वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये पूरी प्रोसेस एक साथ करिए तो वो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है अब वो हम देखते हैं। एकेडमिक डिटेल्स आपने फिलअप कर ली, आपने अटैचमेंट आपके अटैच कर लिए, उसके बाद आपको चॉइस फिल करनी है। अब चॉइस फिलिंग वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आप कौन सा कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, वो सब डिटेल बननी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ ऑल ही रखिए। आप अगर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद या गांधीनगर में लेना चाहते हो तो सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल रहने दीजिए। कॉलेज टाइप तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ग्रांटेड हायर पेमेंट वाली जो कॉलेजेस है, सेल्फ फाइनेंस है, वो सब ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी ऑल रखिए अभी।
मीडियम आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो कि आप इंग्लिश मीडियम की कॉलेज में ही जाना चाहते हो गुजराती में, या गुजराती इंग्लिश दोनों चल रहा है वैसी कॉलेज में, हिंदी उर्दू भी ऑप्शन है, इसमें भी आप चाहते हो कि पर्टिकुलर मुझे इंग्लिश मीडियम की कॉलेज इसमें ही जाना है तो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और गुजराती में जाना चाहते हो तो गुजराती सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर ऑल रखिए। उसके बाद एप्लीकेशन राउंड है वो सिलेक्ट करिए, आपका एप्लीकेशन फर्स्ट राउंड के लिए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट राउंड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सारी कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, उसमें से जैसे जैसे आप एक एक सिलेक्ट करते जाओगे, यहाँ पर जो प्लस वाला आइकॉन है उस पर क्लिक करोगे तो वो नीचे आपकी सिलेक्ट करी हुई कॉलेजेस का लिस्ट शो होगा। यहाँ पर अभी एक भी सिलेक्ट नहीं करी है तो खाली दिखेगा, ठीक है। आप उसको सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखिए, वही कॉलेज सबसे पहले सिलेक्ट करिए जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में है। अगर आप पहले अलग अलग कॉलेजेस सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर आपको वहाँ पर उसको अप एंड डाउन का ऑप्शन मिलता है और रिमूव का ऑप्शन मिलता है। तो आप अप डाउन करके याद रखिए, आपको नंबर वन पे आपकी जो चॉइस की कॉलेज है वो रखनी पड़ेगी। अगर आप BCA में जाना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए, आपको वो कोर्स में ध्यान से रीड करना है। यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम नेम होगा उसके अंदर BCA के कॉलेज, इसके अंदर यहाँ पर देखिए प्रोग्राम नेम पे जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर प्रोग्राम चेंज होते हैं। कई स्टूडेंट यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं कि सर मेरा तो BBA करने का को है और मुझे कॉलेजेस के नाम नहीं दिख रहे, तो आपको प्रोग्राम नेम पे क्लिक करके उसको चेंज करना है। फायर इंटीग्रेटेड कोर्सेज वो आ जाएगा, फिर एक बार क्लिक करोगे तो MBA का, MSCIT का ये ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पर इस तरह से जैसे आप क्लिक करोगे आपको सारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलती जाएगी। जैसे यहाँ पर BCOM स्टूडेंट क्या करेंगे, एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक वाला प्रोग्राम सिलेक्ट करके कॉलेज सिलेक्ट करनी है। याद रहे प्रोग्राम नेम देखते रहिएगा, साथ साथ में एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक BCOM वालों के लिए, ठीक है। और अगर आप BCA में जाना चाहते हो तो क्या करना है, देखिए प्रोग्राम नेम के अंदर BCA वाले स्टूडेंट्स को आना चाहिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटली BCA प्रोग्राम हो गया, आपका फुल्ली BCA प्रोग्राम, सिर्फ यहाँ लिखा होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो याद रखें आप BCA लेना चाह रहे हो तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ प्रोग्राम है उसी को सिलेक्ट करोगे, वही सारी कॉलेजेस BCA की है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो LJ कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉलेज के नाम पे भी लिखा होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्राम में भी लिखा होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद आप चाहो तो ये कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन में कि कंप्यूटर एप्लीकेशन मेन सब्जेक्ट होगा और दूसरा सब्जेक्ट आपका एडवांस अकाउंटिंग हो सकता है, या फिर यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं बेसिक स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो हो सकते हैं। BCA वाले स्टूडेंट इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आप BBA करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, BBA वाले स्टूडेंट याद रखें उनको यहां पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ प्रोग्राम होना चाहिए और कॉलेज के नेम आप देख लीजिए एक बार, सोम ललित इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, फिर इसी तरह से यहां पर JG इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारी कॉलेजेस जो है चीमन भाई और वो सब वो प्योरली BBA कॉलेजेस है, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड लिखा होना चाहिए। तो ये BBA वाले स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इस तरह से आपको सिलेक्ट करनी है कॉलेजेस, आपकी जो चॉइस हो उसको सबसे पहले रखना है। BCOM वाले स्टूडेंट्स को मैंने समझा दिया, उनका सब्जेक्ट होना चाहिए एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक, और वहाँ पर आप बेसिक स्टैटिस्टिक की जगह पर कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, पर आपका सब्जेक्ट BCOM में होना चाहिए मेन एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज की, तो वो स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ पर भी आपको फाइव ईयर इंटीग्रेटेड के ऑप्शन मिल रहे हैं, इंटीग्रेटेड MBA यहाँ पर ऑप्शन जितने भी दे रहे हैं वो सब आप चेक कर लीजिए, आपको किस कोर्स में जाना है वो पहले सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। आप अगर इंटीग्रेटेड MBA करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और उसकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद है वहां पर होगा, और उसका पेमेंट हायर है यानी इसकी फीस ज्यादा होगी याद रखिए, पर कोर्स बहुत ही अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत सही से वर्क कर रहा है। तो आप देख लीजिए, आप अगर फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में जाना चाह रहे हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। कोई स्टूडेंट का ऐसा है कि मैं फायर इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ साथ BBA की कॉलेज भी भरना चाहता हूं तो वो भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरह से कॉलेज सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हैं, आपको कोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपकी चॉइस है पर्टिकुलर कोई कोर्स में जाने की तो वो कोर्स की कॉलेज पहले सिलेक्ट करिए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो मैं BBA करना चाहता हूं तो वो फिर BBA की कॉलेजेस भरिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले यहां पर खाली BCOM के फॉर्म भर सकते हो, आपको BBA BCA BCOM और फाइव इंटीग्रेटेड कोर्सेज की जो भी कॉलेजेस मिल रही है आप सिलेक्ट कर सकते हो।
पर प्रायोरिटी वाइज आपको सिलेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अपनी चॉइस इसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे, कम से कम हो सके तो आप 30 कॉलेजेस तो भरिएगा ही, और मैक्सिमम जितनी कॉलेजेस आप सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। देखिए रिजल्ट पे डिपेंड करता है, आपका रिजल्ट अगर एवरेज से नीचे है और आपकी चॉइस अच्छी कॉलेजेस है तो आपको ज़्यादा कॉलेज चॉइस करनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट हायर है और आपकी प्रॉपर चॉइस है तो फिर 30 कॉलेजेस के अंदर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो हो सके तो आपके रिजल्ट्स को देखते हुए चॉइसेस हो सके उतनी ज़्यादा करिएगा, ठीक है। अब चॉइसेस को सेव करने के बाद आपको यहाँ लॉक वाला ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू में आपको पूरी एप्लीकेशन जो आपने फिलअप करी है वो दिख जाएगी, आपका फ़ोटो, आपका नेम, ये सब आप एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, कोई भी एरर ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन का लॉक करना है। अब एप्लीकेशन लॉक कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर आई हैव रीड अबो इन्फॉर्मेशन एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। ये एग्री पे आप क्लिक कर रहे हो, उसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड दे रखा है वो फिलअप करना है, और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल के आपको इसको लॉक कर देना है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी। लॉक करने के बाद अब आप आ जाओगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे, तो वो कैसे करना है वो भी समझते हैं। एप्लीकेशन लॉक करते वक्त आपको गुजरात यूनिवर्सिटी से 2 बार मैसेज आएगा कि आप सही में एप्लीकेशन लॉक करना चाहते हो, सब डिटेल्स आपने एक बार देख ली है, तो ओके पे क्लिक करिए। और एक मैसेज आता है कि आप अगर ये लॉक कर देते हो तो उसके बाद इसके अंदर कोई भी चेंजेस आप बाद में नहीं कर सकते हो, तो पहले लॉक करने से पहले एक बार देख लेना सही होगा। और कॉलेजेस आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करनी है, तो उसके बाद आपको लॉक करने के बाद ये मैसेज आएगा कि एप्लीकेशन लॉक सक्सेसफुली ओके। जैसे ही आपका लॉक हो जाता है एप्लीकेशन, उसके बाद आप पेमेंट वाले सेक्शन में आ जाते हो, वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस नेम होगा, एप्लीकेशन नंबर, आपका ईमेल आईडी और फीस होगी 125। फीस आप यूपीआई पेमेंट से कर सकते हो, पर उसको 24 से 48 आवर्स तक लग सकता है, तो उसके लिए आपको दूसरी बार पेमेंट नहीं करना है, वेट करना है। पेमेंट अगर आपका फेल हो जाता है, राती में लिखा हुआ है उसको मैं रीड करता हूँ, यूपीआई थी पेमेंट करी हुआ से तो अपडेट थमा 24 से 48 कलाक से राज हुई, उतावड़ करीने बीजी वक्त पेमेंट करूँ नहीं, जो करवाम आवेल पेमेंट फेल या डेबिट थी जाए तेवा समय इनिशिएट पेमेंट पर फरी वार क्लिक करवाथी पेमेंट सक्सेसफुल थी जैसे। यानी अगर आपका पेमेंट बाई चांस एरर कोई पेमेंट फेल हो चुका है या डेबिट हो चुका है तो आपको इनिशिएट पेमेंट पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली जो पुराना पेमेंट किया था वो हो जाएगा सक्सेसफुली। तो याद रखिए आपको 24 से 48 आवर्स तक वेट करना होगा। चलिए अब हम इनिशिएट कर देते हैं पेमेंट। इनिशिएट पेमेंट जैसे ही करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपको बताएंगे कि आपको कैसे पेमेंट करना है। पे विथ पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बताई दिए सारे ऑप्शन, आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। आप पेमेंट के लिए यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिस पे क्लिक करोगे तो यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा जीपे, अदर यूपीआई, व्हाट्सएप, फ़ोनपे, भीम एंड पेटीएम। अगर आप पेटीएम से करना चाहते हो तो पेटीएम सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो, फिर कंफर्म पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर चेक करिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस में लिख कर आएगा अब एप्लीकेशन लॉक हो चुकी है एंड सक्सेसफुली आपका फ़ी पेमेंट भी हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल भी मिल जाएगा। अब पेंडिंग ये वाला पार्ट क्या है, वेरिफिकेशन, वो ऑटोमेटिकली हेल्प सेंटर से हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर ये दो आपका सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। और जिनका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है उनको इनिशिएट पेमेंट पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, पर दूसरी बार पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया है तो 24 से 48 आवर्स के बीच में ये सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको इनिशिएट पेमेंट पे फिर से क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली सक्सेस मैसेज आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बात को, सेकंड टाइम पेमेंट आपको नहीं करना है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप गुजरात यूनिवर्सिटी का कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट होने के बाद पूरी फुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।